देखते हैं आज अपन लोग इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी है ना। एल्गी यूजफुल टू मैन इन ए वेराइटी ऑफ वेज। एल्गल स्पेसीज आर यूज अ सोर्स ऑफ फूड मेडिसिन एंड अदर यूजेस। तो हम लोग पिछले क्लास में एल्गी देखे थे। अपन लोग जब प्लांट किंगडम को डिफाइन किए थे, प्लांट किंगडम में दो मिला था, क्रिप्टोगामी और फेनोलोगामी, राइट। क्रिप्टोगामी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और फेनोलोगामी में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उससे एक्स्ट्रा बात भी हम लोग आज देखे थे कि जब प्लांट किंगडम को दो भाग में देखेंगे तो दो चीज़ मिलेगा, एक थैलोफाइटा मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, इम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा और दूसरा इम्ब्रियोफाइटा। देन आफ्टर फिर इम्ब्रियोफाइटा नहीं इम्ब्रियोफाइटा थैलोफाइटा इम्ब्रियोफाइटा थैलोफाइटा में थैलोफाइटा आ जाएंगे, फंगी और एल्गी। फंगी हम लोग पढ़ रखे हैं, एल्गी पढ़ रहे हैं, राइट। और इम्ब्रियोफाइटा में क्या आ जाएंगे, ब्रायोफाइट्स सारा आ जाएंगे, ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइटा फिर इसको डिफाइन करेंगे तब आ जाएगा क्या, इम्ब्रियोफाइटा में क्या एक बताए थे, ट्रैकियोफाइटा, वही था सर, एम्ब्रियोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स और एक स्पर्मोफाइट्स। हाँ स्पर्मोफाइट्स में जिम्नोस्पर्म, ये सब एक्स्ट्रा है। तो एल्गी देखते हैं हम लोग, एल्गी के बहुत सारे वैरायटीज़ हैं आज इम्पोर्टेंस देख रहे हैं। तो एल्गी यूजफुल व्हेन इन वैरायटी ऑफ वेज। एल्गल स्पेसीज आर यूज एज ए सोर्स ऑफ फूड, फूड के रूप में यूज़ होता है, मेडिसिन के यूज़ में होता है और अदर वेज अदर भी यूजेस होते हैं इसके। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय थ्रू फोटोसिंथेसिस। किससे कैरिड आउट होते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, है ना, कैरिड आउट बाय थ्रू फोटोसिंथेसिस। देन 70 स्पेसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज एज फूड। 70 स्पेसीज जो है वो मेराइन एल्गी यूज होते हैं फूड के रूप में। पोरिफेरा, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर एडिबल मेराइन एल्गी। ये सभी एग्जांपल्स हैं। एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, ठीक है। तो ये सभी एडिबल मेराइन एल्गी है। मेराइन मतलब हाइड्रोक्लोराइड्स, हाइड्रोक्लोराइड्स, हाइड्रो जहाँ पे वर्ड आएगा रिलेटेड विथ वाटर। अब उसके बाद वाले टर्म होंगे वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का वाटर। हाइड्रोक्लोराइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ये हाइड्रोक्लोराइड्स को कहेंगे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस अगर पूछे तो क्या माइंड में आना चाहिए, किस, हाँ हाइड्रोक्लोराइड्स मतलब किस तरह का, जो वाटर को होल्ड कर सके, एकदम बेसिक समझेंगे, एकदम जो फील करेंगे। कोई जेली, जैसे जेली लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर होता है, तो वाटर को ऐसा नहीं कि वो निकाल के फेंक देता, होल्ड करके रखता, कुछ देर रखता है। जैसे एल्जीन ब्राउन एल्गी में, केराजीन रेड एल्गी में, तो ये सब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, मोस्ट VVI एग्जांपल। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया बहुत VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोड्यूस करता क्या, अगर अगर, एक पिछले क्लास में एक और जगह अगर मिला था, हम बताए थे ये प्रोटीन के रूप में, और ये जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया प्रोड्यूस करता अगर अगर, अगर अगर क्या है, प्रोटीन फॉर्म में रहता है, ठीक है। केराजीन ऑब्टेंड फ्रॉम आयरिस मॉस और कॉन्ड्रस। केराजीन, देखो केराजीन डबल आ रहा है, इसी से पकड़िएगा, थोड़ा कोडिंग से पढ़िएगा। केराजीन मतलब रेड एल्गी, देखिए रेड एल्गी है ना केराजीन। एल्जीन मतलब ब्राउन एल्गी, केर्रा बहुत आ रहा है रेड एल्गी, मतलब ये हमेशा के लिए याद रहेगा। एल्जीनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, कपड़ा उद्योग, ठीक है। क्लोरेला एंड स्पायरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी, रिच इन प्रोटीन एंड क्या, आर यूज एज फूड सप्लीमेंट्स। इसमें बहुत प्रोटीन होते हैं और इस तरह ये फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। आयोडीन ऑब्टेन फ्रॉम कैल्प्स, कैल्प्स कैल्प में क्या यूज़ होता है, आयोडीन। इसमें दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट, एक तो पूछ सकते हैं कैल्प भैया होता किस में, किस एल्गी में, इतना आसान पकड़ो तरह नहीं पूछेगा। ब्राउन एल्गी में कैल्प किस में होता है, ब्राउन एल्गी में। फिर पूछेगा ऑप्टेंट किस से किया जाता है, आयोडीन से। अब अपन लोग एक डिजीज आयोडीन जैसे कि ग्वाइटर, ग्वाइटर होता है तो ये ग्वाइटर को भी कम करता है, लेमिनेरिया। नेक्स्ट केल्प आर यूज इन रिप्रोडक्शन ऑफ, ये प्रिपरेशन ऑफ ग्वाइटर मेडिसिन, क्या प्रिपरेशन करता है, ग्वाइटर मेडिसिन पढ़ लिए। ये सभी था इम्पोर्टेंस। अब हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं एल्गी के, क्या क्या हार्म हो सकते हैं। तो ये दो तरह से, एक प्लांट डिजीज,
के फॉर्म में, जैसे कि सिफेलेरस ग्रीन एल्गी को कहते हैं, पैरासाइट काउज रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी प्लांट में एक डिजीज बीमारी काउज कर देता है जिसको कहते हैं रेड रस्ट, रेड रस्ट। जैसे हम लोग जानते हैं अस्थमा बीमारी होता है बहुत सारा, तो प्लांट टी और कॉफ़ी में जो बीमारी होता है उसको कहते हैं रेड रस्ट। काउज कॉजेटिव एजेंट एल्गी, व्हाट टाइप्स ऑफ एल्गी, ग्रीन एल्गी, व्हाट द एग्जांपल ऑफ सिफेलेरस, ठीक है ग्रीन एल्गी। एल्गल ब्लूम क्या है, एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। एल्गल ब्लूम वाटर वगैरह में भी हो जाता है क्योंकि एल्गी मॉइस्ट कंडीशन में होते हैं, नहीं तो वाटर में ही होते हैं। तो जब वाटर में होते हैं एल्गी, अगर वो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए जिस एल्गी का, उसको क्या कहेंगे, एल्गल ब्लूम कहेंगे। बहुत बार पूछे हुआ। अब देखिए ये डिवीज़न ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसका देखेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। तो सेल वाल, जैसे क्लासेज कॉमन नेम मेजर स्टोर फूड फ्लैजिला नंबर ऑफ पोजिशन हैबिटेट। अब क्लासेज में सेल वाल क्या, जैसे ये सेल वाल सेलुलोज के रूप में होता है। क्लासेज कौन, क्लोरोफेसिया। कॉमन नेम क्या होगा, ग्रीन एल्गी। क्लोरोफेसिया को क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। मेजर पिगमेंट्स, पिगमेंट्स देने वाले कलर बतलाते हैं, और कलर वाले पिगमेंट जो ग्रीन एल्गी में होंगे मतलब क्लोरोफिल होगा। कौन सा पिगमेंट होगा, ए और बी, देखिए याद रखिएगा। ग्रीन एल्गी में ए बी, ब्राउन एल्गी में ए सी, रेड एल्गी में ए डी, याद रहेगा, क्लियर करके। स्टार्च होते हैं स्टोर्ड फूड के रूप में। फ्लैजिला पोजीशन कैसा होगा, टू इक्वल एपिकल में होते हैं फॉर्म। हैबिटेट रन सन कहाँ रहेगा, फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर और साल्ट वाटर, साल्टी वाटर में भी, नमकीन वाटर में भी रहता है। सेलुलोज एंड एल्जीन, सेल वाल मेड अप होते हैं किससे, सेलुलोज और सेल्जीन, किस क्लास के, फाइकोफिसिया ब्राउन एल्गी। क्लोरोफिल ए सी, फिकोजेंथिन, मैनिटोल लेमिनेरिया, टू अनइक्वल लेटरल, ये सब देखना है, ठीक है। फ्रेश वाटर, रियर ब्रेकिश वाटर, साल्ट वाटर, फिर सेलुलोज, रोडोफिसिया रेड एल्गी, क्लोरोफिल एंड फाइकोहिथ्रिन। इसमें स्टोर्ड फूड क्या आ जाएंगे, फ्लोडियन स्टार्च, ये एब्सेंट होंगे फ्लैजिलर और हैबिटेट। तो ये सब जो है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये यही रेड एल्गी तक है। ये सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब देखते हैं टाइप्स में, एल्गी के टाइप्स में हमें तीन मिला, क्या क्या मिला, ग्रीन ब्राउन और रेड। ग्रीन को क्लोरोफिल क्लोरोफिसिया, ब्राउन को फाइकोफिसिया, रेड को रोडोफिसिया, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक सारे चीज़ देखेंगे। ग्रीन एल्गी के प्लांट बॉडी कैसे होंगे, मे बी यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस। दूसरा, रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पैक्टोज, ठीक है। ये सभी से इसका प्लांट बॉडी होगा। पिगमेंट जानते ही अपन लोग, ए बी ग्रास ग्रीन, जेंथोफिल्स, कैरोटेन आल्सो प्रजेंट, ये सभी चीज़ प्रजेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट के रूप में द पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन डिफिनाइट क्लोरोप्लास्ट, डिफिनाइट क्लोरोप्लास्ट होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड सेप, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप सेप्ड, स्पाइरल, रिबन सेप्ड, रिबन, डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, ये सब एक ही है, थाली के आकार, डिस्क्वाइड में थाली का, ये सब तरह के होते हैं। फूड स्टोरेज स्टार्च, बट सम एल्गी मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ वाइल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। पैरानोइड्स के रूप में ये सब होते हैं। पैरानोइड्स कंटेंट प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, रिप्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एल्गी, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर, एप्लेनोस्पोर, हाइपरोस्पोर, पलमेला स्टेज, सब बता रखी है पहले।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय यूगेमस, आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वॉलवर्क्स, यूरोथ्रिक्स, चारा, स्पाइरोगाइरा, फाइकोफिशिया, ब्राउन एल्गी। कल बताएंगे, ठीक है, जब तक रिविजन कर लीजिए। ये ब्राउन एल्गी कल बताएंगे फाइकोफिशिया, इसके बारे में लीजिए।